रफा में इजरायली सेना का ऑपरेशन लगातार जारी। इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 35 लोगों के मारे जाने की खबर। दक्षिणी गाजा के राफा शहर में विस्थापित लोगों के शिविर पर हवाई हमला, मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल। उत्तरी गाजा के जबालिया में हमास पर कार्रवाई के फुटेज इजरायली सेना ने किए जारी। इजरायली सेना का दावा, सैनिकों ने नजदीकी लड़ाई और हवाई हमलों में दर्जनों आतंकवादियों को मार गिराया। इजरायली टैंकों ने दर्जनों घरों, दुकानों, सड़कों को कर दिया है नष्ट। इसराइल और हमास के बीच बीते 7 महीने से लड़ाई लगातार जारी। इजरायली सेना ने लगातार गाजा में जमीनी और हवाई हमले किए। सीमा क्षेत्र के पास धुएं के गुब्बार उठते दिखाई दिए। हमास ने गाजा से इसराइल पर की रॉकेट्स की बौछार। कई महीनों में पहली बार तेल अवीव में रॉकेट सायरन बजा। इसराइल के बड़े पैमाने पर हवाई, समुद्र, जमीनी हमले के बाद राफा में इसराइली ऑपरेशन का दिया गया जवाब। हमास ने कई महीनों बाद पहली बार मध्य इसराइल में तेल अवीव क्षेत्र की ओर रॉकेट से किया हमला। यमन में ईरान समर्थित हौती विद्रोहियों ने 100 से ज्यादा युद्ध कैदियों को किया रिहा। पिछले साल अप्रैल में अदला बदली के दौरान 800 से ज्यादा कैदियों को रिहा करने के बाद एक साल बाद एक तरफा रिहाई हुई है। 2014 से यमन में चल रहा है संघर्ष, लंबी बातचीत के बाद आ रही है शांति। गाजा के जबालिया शिविर में हवाई हमले में मारे गए हनान के अंतिम संस्कार में उमड़ी भारी भीड़। इजरायली झंडे लहराते हुए तेल अवीव की सड़कों पर इकट्ठा हुए हजारों लोग। जबालिया में इजरायली सैनिक और हमास के आतंकवादियों से लगातार जारी है जंग। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में एक बस और मालगाड़ी की जोरदार भिड़ंत, हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर। 30 से ज्यादा लोग हुए जख्मी, अस्पताल में घायलों को कराया गया भर्ती। दोहा से डबलिन जा रही कतर एयरवेज की फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी, हादसे में 12 लोगों के जख्मी होने की खबर, जिसमें चालक दल के 6 सदस्य भी शामिल। विमान की लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट पुलिस के 7 दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर विमान से लोगों को निकाला बाहर। अमेरिका में भीषण तूफान ने मचाई भारी तबाही। टेक्सास, ओक्लाहोमा और अरंकसास में भीषण तूफान में 15 लोगों की मौत की खबर। कई घरों और एक फ्यूल सेंटर हो गया तबाह। अमेरिका के कई राज्यों में आए भयंकर तूफान ने मचाई भारी तबाही। इमरजेंसी सेवाओं की ओर से राहत और बचाव का काम लगातार जारी। टोर्नाडो ने ट्रकों के लिए बनाए गए स्टैंड को भी नुकसान पहुंचाया, जहां पर दर्जनों लोग शरण लेने के लिए पहुंचे हुए थे। चीनी प्रधानमंत्री ने सियोल में जापानी प्रधानमंत्री से की मुलाकात। सियोल में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के मौके पर जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से की गई मुलाकात। जापानी पीएम फुमियो किशिदा ने त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन से पहले चीन और दक्षिण कोरिया के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। किशिदा ने चीन के प्रधानमंत्री से कहा जापानी समुद्री भोजन उत्पादों पर प्रतिबंध को तत्काल हटाया जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपनी जर्मनी के 3 दिवसीय राजकीय यात्रा की शुरुआत में बर्लिन पहुंचे। 24 साल बाद राष्ट्रपति पहुंचे जर्मनी। इस यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ के नीति निर्माण को संचालित करने वाले जर्मन फ्रांसीसी के संबंधों को लेकर हुई चर्चा। यूक्रेन के खार्किव में दुकान पर हुए हमले में अब तक 14 लोगों की मौत की खबर। उत्तरी यूक्रेन क्षेत्र के गवर्नर ने कहा रूसी सेना नए सिरे से हमला कर रही है।